दोस्तों आज हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 19032 योगा एक्सप्रेस, जो कि वीक में डेली चलती है। इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो यह शाम को 2:55 पर योग नगरी ऋषिकेश से निकलती है, जो कि आपको अगले दिन शाम को 3:35 पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो योग नगरी से मेरठ सिटी तक होने वाली है। और आपको मैं इस ट्रेन के जनरल कोच की आपको कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन है और यहाँ से ये बन के चलती है, तब ये हाल है और आगे आगे क्या हाल होने वाला है ये आप खुद देखना। ये पहला कोच, इसका लास्ट का कोच है पीछे से स्लीपर का, और इससे पीछे ये तीन कोच लगे हुए हैं जनरल के, एक कोच ये है जनरल का, इससे आगे है फिर एक, और फिर इससे आगे है, तीन कोच पीछे लगा रखे हैं जनरल के। और अब सभी कोच में देख रहे होंगे, सभी कोच में पूरी भीड़ है, आपको मैं अंदर से चल के दिखाता हूँ, और सभी कोच फुल है। एक कोच ये है, ये भी पूरा फुल हो रहा है जनरल का, और ये तो यहाँ से ऋषिकेश से बन के चलती है, तब इसका ये हाल है जनरल कोच का। और हरिद्वार में तो इतनी भीड़ रहती है कि गेट पे भी खड़े होने की जगह नहीं मिलने की आपको, इतनी भीड़ रहती है हरिद्वार से। और ये इसका लास्ट का कोच है जनरल का, और आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। अरे इसके एक मिनट फोन दे, इसके कान में लगा दे। हाँ सोनू, तो दोस्तों इसके सारे कोच भरे हुए हैं पीछे से, और आगे भी एक कोच शायद है या नहीं है देखना पड़ेगा। तो दोस्तों पीछे जो तीन कोच लगे हुए हैं जनरल के, वे सारे भरे हुए हैं, और आप देख रहे हो क्या कंडीशन है। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है योग नगरी ऋषिकेश से,
दोस्तों अपनी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी भीड़ है और कोच के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो चुकी है। और इसमें सिर्फ जनरल के 3 कोच लगे हुए हैं, वो भी पीछे आगे कोई कोच नहीं है इसमें। और जब कोच इतनी कम है तो भीड़ तो होनी है। और दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर अपनी ट्रेन का होल्ड था 5 मिनट का। स्टेशन कोड है RW। अपनी पेंशन ले रहे हैं जितने नेता ना, कितनी पेंशन, अच्छा पेंशन ले रहे हैं। सांसद की अलग, विधायक की अलग, यदि वो ब्लॉक रूल पर उसकी पेंशन अलग। उसको अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है रुड़की से और फिलहाल ऋषिकेश से ही ऊपर की सीट पे बैठ के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था 3 जनरल के कोच पूरे भरे हुए हैं। इसके वजह से ऊपर की सीट ली है और नीचे उतर के इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है, उतर के वीडियो कैसे बनाऊँगा स्टेशन पर। तो इसकी वजह से ऊपर से ही वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट में मेरठ सिटी आएगा तो वहाँ से देखूँगा, उतर के वीडियो बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से ही आपको दिखाना होगा और आपको दिखा दूँ क्या कंडीशन है। दोस्तों आपने देखी है कि क्या कंडीशन हो रही है कोच की, और इसमें पीछे दे रखे हैं तीनों कोच पूरे फुल हुए पड़े हैं और इसके वजह से ऊपर ही बैठ के और यहाँ से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। और हरिद्वार में इसलिए नहीं उतरा क्योंकि जो उतर जाता तो फिर सीट नहीं मिलती, खड़े होने की भी जगह नहीं है यहाँ। आप देख रहे हो पूरा कोच पैक है, पूरा भरा हुआ और तीनों कोच की कंडीशन ऐसी है। अंदर तो है ही पूरा पैक और गेट पे देखो कितने सारे पब्लिक लटकी हुई है। हाई प्रोफाइल है। तो टपरी रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का होल्ड था 2 मिनट का। बस तो बेटे मौज कर दी तूने, तो मौज कर दी बेटे। भाई भीड़ काफी ज्यादा हो रही है, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पीछे ये आप देख सकते हो कि जाली पे कहाँ बैठा है। कंडीशन दिखाऊं तो बस सिर्फ ऊपर अटका हुआ है और इसने वही कैसे जगह बनाई है बस ये। Oh,
लात मार के बच्चे मैं तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और दोस्तों आप वीडियो को देख तो लेते हो, लाइक और कमेंट नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट किया करो आप।